हेलो व्हाट्सएप गाइस, दिस इज अवर कोलैब। आई एम स्वीटू एंड आई एम ऋषभ। और आज हम बात करने वाले हैं टाइम के ऊपर। अबे क्या करती है, टाइम नहीं पता क्या अभी का? 7:55 हो रहे हैं, बेवकूफ आदमी। अरे ये वाला टाइम नहीं, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से टाइम चलता है सभी के लिए अलग अलग। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके पहले आप जिसके भी चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उधर जाके दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आइंस्टाइन के कुछ सिद्धांत मतलब लॉज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा जरूर होगा कि टाइम सभी के लिए अलग अलग चलता है। टाइम एक रिलेटिव चीज़ है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में रात हो रही है तो कनाडा में दिन हो रहा होगा, तो उससे ये पता लग रहा है कि दुनिया का अलग अलग आदमी टाइम ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग टाइम चल रहा है अर्थ पे ही। अगर हमें टाइम के बारे में जानना है तो हमें फोर्थ डायमेंशन के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इन चार आयामों के बारे में जानने के लिए हमें पहले तीन के बारे में जानना पड़ेगा। तो जीरो आयाम होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, और पहला आयाम होता है जिस पे आप सिर्फ एक पॉइंट पे स्थिर रहते हैं। दूसरे आयाम में आप ऊपर जा सकते हैं और नीचे आ सकते हैं। तीसरे आयाम में राइट और लेफ्ट जा सकते हैं। और चौथे आयाम टाइम से कनेक्टेड होता है। अगर हमें टाइम को जानना है तो हमें ग्रेविटी को भी जानना पड़ेगा। जैसे कि आइंस्टाइन ने बनाया था ग्रेविटी के ऊपर थ्योरी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हमें समय के बारे में लगभग हर चीजें पता लग जाती हैं। वहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, वहाँ का टाइम बहुत स्लो चलता है, और जहाँ पे ग्रेविटी कम होती है वहाँ का टाइम भी तेज चलता है। एक बार आइंस्टाइन ने कुछ कहा था, क्या कहा था? हाँ, आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट कांस्टेंट होती है लेकिन टाइम कांस्टेंट नहीं होता। इस बात को समझने के लिए भी हमें गहराई में जाना पड़ेगा। गहराई में मतलब खाई में। ठीक है, हमें कोई भी चीज तब दिखती है जब लाइट उस चीज पे पड़ के हमारी आंखों पे आए, तब जाके हमें वो चीज दिखती है। इसका मतलब ये, अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चल जाए तो वो हमें नहीं दिखेगी, और इसी को कहते हैं टाइम ट्रैवल। ऐसा हम फ्यूचर में जाने के लिए तो कर सकते हैं, पर पास्ट में जाने के लिए अलग फंडा है। अच्छा, फंडा है मतलब मुर्गी ने दिया अंडा है। पास्ट में जाने के लिए एक ही तरीका, वो है वॉर्म होल। बिल्कुल सही। तो हम समझा देते हैं कि वॉर्म होल होता क्या है। तो वॉर्म होल एटम से भी छोटी चीज होती है जिसको कहते हैं कि अगर उसमें से कोई पास कर जाए तो टाइम में पीछे आगे कहीं भी जा सकता है, किसी भी प्लेस पे जा सकता है। तो इसका मतलब अगर छोटे बैक्टीरिया और छोटे वायरसेस जो कि एटम से छोटे पाए गए हैं, क्या वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? जी हाँ, वो ऐसा करते भी हैं। अगर वार्म होल को बड़ा करने का तरीका पता लग जाए तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उलाला। तो अब हमने बात कर लिया पीछे जाने के बारे में और आगे जाने के बारे में। तो अब बात करते हैं कि अगर समय रुक जाए तो क्या होगा। अरे यार, तुझे पता नहीं फैक्टर्स भाई बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, तू कहाँ सो रहता है सब बेवकूफ इंसान। चल इनके बारे में सब कुछ समझा हमें। अरे यार, मैं सोच रहा था फैक्टर्स का फैक्ट अपने में डाल दूंगा, तूने तो बोल। चलो बताई देते हैं। अपने फैक्टर्स भाई ने जैसा कि बता रखा है कि अगर टाइम रुक जाए तो सारे फोटॉन्स भी रुक जाएंगे, और जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है और हमारी आंखों पे आती है तभी हमें वो चीज़ दिखती है। तो अगर फोटॉन्स ही रुक गए तो हमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, और हम अंधे हो जाएंगे, कुछ नहीं देख पाओगे, चाहे वो अंटा हो चाहे बंटा हो। इससे हम कह सकते हैं कि समय को समझना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि आइंस्टाइन के इतने प्रयासों के बाद हम उससे बहुत कुछ समझे, लेकिन जैसे गॉड को समझना मुश्किल है वैसे समय को समझना भी काफी मुश्किल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी है। हाँ, तो आई बटन पे क्लिक करके भी जरूर बताना, मैंने एक पोल क्वेश्चन पूछ रखा है। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। Bye bye. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Go.